Yes, it's fine. So guys, I should introduce you. Abhinav Thakur, he is an automobile engineer and also businessman. He owns a garage, auto garage, and Vapi, and also he's the authorized. Also, he owns the authorized service center for Tata Commercial I Vehicle. posted this your message. Even I got a few questions about vehicle maintenance. The first question Yes. was that हमारी गाड़ी इतने दिन से खड़ी है, क्या करना चाहिए? वी हैव गॉट टिप्स के Right. गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए और उसको रेगुलरली ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. नाउ आई विल लाइक टू टेल यू दैट अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया है एंड इफ अगर गाड़ी पुरानी है तो बैटरी ड्रेन होना, देर आर 90% चांसेस की आपकी बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी. सो राइट बेटर आप उसको वहां पे रहने दें, स्टार्ट करने की कोशिश ना करें. दैट विल डैमेज योर स्टार्टर मोटर एंड ऑल्टरनेटर. दोज आर टू पार्ट्स विच हेल्प योर व्हीकल इन स्टार्टिंग. सो दैट विल डैमेज इट. सो फर्स्ट पॉइंट इज राइट दैट डोंट टेक हेजिटेशन इन स्टार्टिंग दैट. बस अब इतना ख्याल रखिए कि जब वर्कशॉप स्टार्ट होगा यू कॉन्टेक्ट योर नियर बाय वर्कशॉप फॉर टोइंग अवे योर राइट व्हीकल और जंप स्टार्टिंग द व्हीकल. और एक इतना ख्याल रखिए कि जहां पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है वहां पे चूहा डैमेज ना करे उसको. हाँ, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, मेन सेकेंड यस, पॉइंट, मैगन बक चूहा उसको डैमेज ना करे. अगर चूहे ने राइट, कहीं कुछ डैमेज किया है तो आई वुड लाइक टू नोटिफाई देम अबाउट दैट ऑल्सो, दैट इट इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है बट वो ओके, राइट, इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है. अगर चूहा आपकी गाड़ी को डैमेज करके जाता है तो वो आप उसका भी उसके लिए भी निश्चिंत रहें. बट मेक श्योर करें कि चूहा उसको डैमेज ना करे बिकॉज वायरिंग हार्नेस ऑफ अ व्हीकल इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो कहीं ना कहीं या वो कहीं डैमेज कर जाता है तो आगे पीछे आप कभी भी कुछ करोगे तो कहीं ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती रहती है गाड़ी. तो आप मेक श्योर करें कि राइट उसको वैसे रखें. अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो इट्स गुड कि आप एवरी 10 डेज उसको स्टार्ट करें, थोड़ा देर चालू रखें उसको और सारी विंडोज आप उतार दें. हाँ जितनी विंडोज हैं उसको आप उतार दें क्योंकि क्या होता है हमारा डैशबोर्ड और काफी चीजें हैं जो उसको आपको प्लास्टिक के हैं तो वो प्लास्टिक के जो हैं वो गर्मी के हिसाब से थोड़ी फ्यूम्स रहती हैं, बैड फ्यूम्स जो उसके अंदर राइट गाड़ी के अंदर घूमती रहती हैं. तो आप पहले एक तो उसको स्टार्ट करें और सारे विंडोज उतार के आफ्टर 1 1 और 2 मिनट्स यू स्टार्ट योर एसी ब्लोअर एट फुल स्पीड सो देट जो राइट आपकी गाड़ी के अंदर की हवा है वो पूरी रिसर्क्यूलेट हो जाए ओके और गाड़ी के अंदर का एक जो है वो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और आपके अंदर की हवा भी क्लीन हो जाएगी. ओके ऑल्सो सो दिस सेकेंड इज थिंग थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ओके ऑल्सो वन ऑल्सो वन टेक्निक इज फॉर सेडान्स. आई एम टेलिंग फॉर सेडान्स आपको ड्राइवर साइड की विंडो बंद रखनी है और ओके बाकी 3 दरवाजे की विंडो खोल देनी है. ओके ब्लोवर चालू करने के बाद आपको एक बार दरवाजा 2 3 बार आगे पीछे करना है ताकि बाहर की हवा अंदर जाए और अंदर की हवा वो 3 विंडो से बाहर पुश हो जाए. हाँ ओके तो राइट राइट तो वो आप एक जैसे अच्छी उसको टेक्निक है। हाँ हाँ खोलेंगे बंद करेंगे तो वो हवा अपने आप रिसर्क्यूलेट हो जाएगी. और राइट दूसरा वो एक टेक्निक, प्रेशर हाँ प्रेशर जैसा क्रिएट प्रेशर करेगा अंदर क्रिएट बाहर होगा के और वास्ते वो राइट बाहर की राइट हवा हमको मालूम है वी ऑल आर गुड इन यस यस साइंस. तो जो गर्म हवा है उसकी उसका नेचर ही है कि वो ऊपर जाती है. तो जैसे ही आप विंडोज खोल हाँ के दरवाजा 2 3 बार ऊपर नीचे करेंगे आपकी हवा ऑटोमेटिकली अंदर. दिस ट्रिक यू कैन यूज इवन इन समर्स व्हेन आप कहीं गाड़ी पार्क करके जाते हो 1 1 घंटा 1.5 घंटा और आपकी गाड़ी गर्म हो हाँ जाती है. यू कैन यूज दिस टेक्निक जिससे आपकी गाड़ी ठंडी हो जाती है. फॉर राइट हैचबैक्स राइट एंड एसयूवीज देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक. आप चारों विंडोज खोल दीजिए आपकी गाड़ी की और हाँ उसके बाद आप आपकी डिक्की खोलिए आपकी गाड़ी की और राइट डिक्की खोल के उसको जोर से बंद कीजिए. आप ओके जो गर्म हवा है वो चारों विंडो में से पुश हो जाएगी बाहर. राइट उससे भी ये आपकी चीज गाड़ी का मुझे भी ध्यान टेम्परेचर में डाउन नहीं हो जाएगा. राइट यस, राइट ये सो चीज दिस जैसा विल हेल्प मुझे भी यू. ध्यान में यस, नहीं था। दिस विल हेल्प यू इन कूलिंग ऑफ योर व्हीकल्स. ये तो हुई कार टिप्स। अब हम बात करेंगे अबाउट सैनिटाइजेशन, जो गलती करते हैं सैनिटाइज करने में, व्हीकल हाँ सैनिटाइज वो करने एक में। मुझे भी बहुत बार लोगों ने पूछा और एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सब. नेवर सैनिटाइज योर कार बाय यूजिंग योर होम हैंड सैनिटाइजर. राइट द मेजर रीजन इज एल्कोहल कंटेंट इन योर होम हैंड सैनिटाइजर. उसमें एल्कोहल कंटेंट है. कार में सैनिटाइजर यूज नहीं होता है. कार में डिसइंफेक्टेंट यूज होता है. दिस इज अ वेरी ओके बेसिक थिंग एंड आप उसको घर पे ना करें. आप घर पे क्लीन करेंगे, वॉश कर देंगे, मैट्स को वॉश कर देंगे, इट इज गुड.
बट घर पे उसको स्टेयरिंग और इस पे यहाँ पे कहीं पे भी इसको यूज ना करें। अल्कोहल बेस्ड है वो, इट कैन बी फ्लेमेबल, तो उसको आप वहां पे यूज ना करें। गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर एक बार फ्लेम पकड़ लिया, दैट इज द रीजन कि छोटी मोटी आग लगने पे भी पूरी गाड़ी जल जाती है। इसका रीजन ये है कि काफी फ्लेमेबल थिंग्स रहती है हमारी गाड़ी में, तो वो अल्कोहल कंटेंट वाला चीज आप ना यूज करें। घर का होम हैंड सैनिटाइजर ना यूज करें, डिसइंफेक्टेड और प्रॉपर किसी वर्कशॉप में ले जाके उसको डिसइंफेक्ट करवाएं आप, ताकि उनको पता है टेक्निकली कहां पे डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, कहां पे गाड़ी को क्लीन करना है, कहां पे नहीं करना है, क्योंकि कहीं पे नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट का पानी भी चला गया तो इट कैन डैमेज योर व्हीकल इलेक्ट्रिकली और सम अदर थिंग्स। तो आप उसको वैसे करें, जैसे नॉर्मल केस में मेरे वहां पे कोई गाड़ी आता है तो हम लोग पहले उसको, अभी ऐसा ड्यू प्रोसीजर है कि पहले बाहर से ही उसको डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके हम लोग अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद व्हेन यू क्लीन, सी आपको याद होगा हर्ष, आपने भी देखा होगा जब आप गाड़ी सुबह खोलते हैं और बैठते हैं तो छोटी 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 धूल हेलो हाँ सब डस्ट सेटल हो जाता है, ऐसा डस्ट सेटल हो जाती है। वो क्यों होता है, उसका बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कार का जो सक्शन पॉइंट है एसी के लिए, जो हवा खींचने वाला पॉइंट है, वो मैक्सिमम कार्स में जहाँ पे ड्राइवर के बाजू वाली सीट है लेफ्ट साइड वाली, वो जहाँ पे बंदा पांव रखता है उसके नीचे है, और आपके एसी का फिल्टर भी वहीं पे आता है। तो क्या होता है, वो नीचे की जो आपकी धूल होती है वही वो सक करके फिर से ब्लोअर में फेंकता है। अब माइन्यूट एसी फिल्टर माइन्यूट चीजें नहीं चेंज कर सकता, उसको वो पास ऑन हो जाती है। अब वो हमारे कैबिन में घूमती रहती है, अब जब हम रात को उसको पास कर देते हैं तो उसको सुबह तक वो सेटल डाउन होने का टाइम मिल जाता है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है वहां पे। तो वो माइन्यूट चीजें हमको देखती है, तो वो हम लोग घर पे भी नहीं कर सकते। उसका ड्यू प्रोसीजर है जैसे हम लोग वर्कशॉप में करते हैं हमारे वहां पर, कि हमारे पास एक मशीन है जिससे हम लोग उसको पूरा वैक्यूम करते हैं पहले, उसके बाद उस पे हीट हम लोग करते हैं उसको नीचे वाले पार्ट को, और उसके बाद उसको एयर कंडीशन जैसी ठंडी हवा से उसको वापस करते हैं। इट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें एक बार हीट करके उसको वापस आप ठंडा करो, हीट करके वापस ठंडा करो। हाँ, तो एक एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट हो जाती है आपकी गाड़ी के अंदर, उसके बाद सारा एसी फिल्टर चेंज करके सारी चीजें जहां पे धूल मिट्टी जो भी लगी होगी उसको पूरा क्लीन करके, वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीरियर क्लीनिंग, जिसमें आप सीट्स और ये सब भी चेंज करके क्लीन करते हो। तो वो सब चीजें जब आप देखोगे उसके बाद आप गाड़ी, तो यू कैन फील अ डिफरेंस। वो हम लोग ने प्रैक्टिकल चीज की हुई चीज है कि वो डिफरेंस दिखता है हम लोगों को वो किया हुआ, तो वो वैसा है। तो आप घर पे उसको करने की कोशिश ना करें, थोड़ा बहुत साफ सफाई वो सब ठीक है, बट जो प्रोफेशनली होता है वो प्रोफेशनली ही होता है वो चीज, और जैसे थोड़ा बहुत अगर रेगुलर यूज के लिए अगर थोड़ा बहुत करें तो सिर्फ आउटर साइड से डोर हैंडल है बस उतना तक ही रखो। हाँ, इनर साइड भी आप जैसे मैटिंग हो गई आपकी, फ्लोर मैटिंग, मैटिंग्स और ये तो हो गया क्लीनिंग, स्टेयरिंग्स एंड गियर हैंडल्स ये सब, आप उसको आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लेके उसको पोंछ दें अगर आपको उसको सैनिटाइज ही करना है तो, राइट। बट माई सजेशन इज आप सैनिटाइजर मत यूज करो कार के अंदर, यस इट इज डेंजरस, तो उसको आप मत यूज करो। उसके लिए डिसइंफेक्टेंट और उसकी ड्यू प्रोसीजर है जो वर्कशॉप्स में यूज की जाती है, जो लोग उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं जब उसका वॉशिंग करते हैं। जैसे हमारे वहां पे अभी हम लोग ने किया है कि जो भी गाड़ी, क्योंकि दिस इज टफ टाइम फॉर एवरीबडी, सो जो भी गाड़ी वॉशिंग के लिए आएगी वो बाय डिफॉल्ट डिसइंफेक्शन उसका हम लोग कर देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बिकॉज दिस इज अ टफ टाइम and it is concerned with health of everybody. So, जो भी गाड़ी wash के लिए आती है, we already by default वो disinfection भी उसका हो जाएगा। इसको पता नहीं होगा कार इंश्योरेंस का कैसे क्लेम करना है, क्या प्रोसीजर ध्यान में रखनी है, सो वो एक बार हम ऐसा शॉर्ट में सिर्फ वो ही बात करेंगे कि वी कैन पुट दैट वीडियो। ओके श्योर, सो रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम्स आई एम रेडी टू हेल्प एनीबॉडी व्हेन दे कॉल मी और समथिंग, बट द थिंग इज क्लेम्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, तो कब कैसा क्लेम आया तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन डीप, बट आई विल एक्सप्लेन कि आपकी गाड़ी में क्या क्या कवर्ड होना चाहिए। तो वन थिंग इज इंश्योरेंस आर ऑफ टू पार्ट्स, एक आपका ओन डैमेज होता है और एक आता है आपका थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी जो है वो है कि आपको कंपल्सरीली लेना है, गवर्नमेंट ने वो आपको बोला हुआ है, और थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आपके गाड़ी से किसी और का नुकसान हुआ और उसने अगर आपसे रियम्बर्समेंट मांगा तो वो दैट विल बी सेटल्ड थ्रू थर्ड पार्टी प्रीमियम आपका, राइट।
अगर कल समझो हर्ष ने जाके जीईबी का खंभा गिरा दिया, तो जीईबी हर्ष को एक नोटिस भेजेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कि बॉस ये खंभा आपने गिराया, हमारा 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो हर्ष ने अगर थर्ड पार्टी उसका लिया है तो हर्ष अपना क्लेम फॉर्म भर के थर्ड पार्टी में जब भी गाड़ी क्लेम में रखेगा तो थर्ड पार्टी के नुकसान का उसमें लिस्ट आउट कर देगा कि भाई मेरी गाड़ी से ये नुकसान हुआ है। तो वो चीज इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा सेटल करेगा, हर्ष नीड नॉट टू पे दैट। तो वो एक चीज जो है वो कंपलसरी है हमारे कंट्री में, वो लेना इंडिया में थर्ड पार्टी का। सेकेंड पार्ट है वो है ओन डैमेज, मतलब आपकी गाड़ी का कोई डैमेज हुआ तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। तो ओन डैमेज में पहला चीज होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहला चीज आपको करना है जब आप गाड़ी लो या नई गाड़ी लो या आपकी नॉर्मल गाड़ी हो, तो आपको उससे कहना है कि मुझे नील डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी चाहिए। तो नील डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी आपको करेगा, तो जिसमें आपको प्लास्टिक और ये सब पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये कहता है कि बॉस हम आपको नया चीज डाल के दे रहे हैं, तो वो पूरा आपका जो हमने लिया वो तो पुराना था, मानो 3 साल पुरानी है, तो 3 साल पुराना हमने लिया तो उसका वो डेप्रिसिएशन काटती है वो डिफरेंस का। लेकिन उसके लिए उसने आपको प्रोविजन दिया है कि आप नील डेप्रिसिएशन का अलग से एड ऑन लो, तो आपका वो पैसा हम लोग डेप्रिसिएशन का नहीं काटेंगे। उसके बाद उसका सेकेंड एक एस्पेक्ट है एनसीबी, दैट इज नो क्लेम बोनस। आपकी गाड़ी आप पॉलिसी आप चेक करोगे तो उसमें नो क्लेम बोनस लिखा होगा। तो नो क्लेम बोनस ये है कि अगर मैंने क्लेम नहीं किया है साल भर में तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उसका बेनिफिट देती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 20% to 50%। वो हर साल बढ़ता जाता है 20, 25, 35, 40, 45, 50 ऐसे, मैक्सिमम यू विल गेट 50% अप टू एनसीबी। तो वो आपको एनसीबी आपको मिल सकता है नो क्लेम बोनस। तो आपको पहले वो भी चेक करना है, अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपको आपके एजेंट को बोलना है कि मुझे एनसीबी इसमें अवेल कराना है। सेकेंड वेरी थिंग जो लोगों को नहीं पता है एनसीबी के बारे में, वो है कि एनसीबी कार पे नहीं है, ओनर पे है। हर्ष पारेख के पास एक्सयूवी 500 है तो नो क्लेम बोनस एक्सयूवी 500 को नहीं है, नो क्लेम बोनस हर्ष पारेख को है। मतलब अगर हर्ष पारेख आज एक्सयूवी 500 के जगह पे कल उठ के एक्स वाई जेड कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, तो हर्ष पारेख को उसका एनसीबी जो पिछली गाड़ी का 50% है वो कैरी ऑन हो जाएगा उसकी नई गाड़ी पे। ओके यस, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी आप नई गाड़ी लो तो आपको एक एनसीबी का सर्टिफिकेट लेना है आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मैंने ये नो क्लेम बोनस मैंने मेरा है, तो आप मुझे ये नई पॉलिसी पे मुझे ये नो क्लेम बोनस आपको अवेल करवा के देना है। ओके ये भी एक बहुत ये चीज है जो लोगों को मालूम नहीं है, वो पॉलिसी उतरवा लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई वो मेरी गाड़ी में थी सब, जो 1234 नंबर की गाड़ी है तो 1234 नंबर की गाड़ी में था तो अब वो 5678 पे नहीं मिलेगा, बट वो वैसा नहीं है। आपको 1234 पे नहीं है और 567 पे नहीं है, जो ओनर है एनसीबी उसका है, उसके नाम का है, तो वो उसको मिलता है। तो अगर उसकी दूसरी गाड़ी अगर वो नहीं ले रहा है तो ही कैन क्लेम फ्रॉम देम। थर्ड पार्टी इज इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन। इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन में ऐसा है कि आपको आपकी गाड़ी का कहीं आप जा रहे हो और पत्थर लग गया, ऑयल ड्रेन हो गया और इंजन सीज हो गया, तो दैट इज नॉट कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। आपको इंजन और गियरबॉक्स प्रोटेक्शन लेना ही है। अगर आपने वो लिया हुआ है तो कम वॉट में जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगा। राइट, ये एक एड ऑन हो गया। उसके बाद काफी एड ऑन है जो काफी इंश्योरेंस कंपनी आपको ऐसे ही दे देती है, जैसे कि की रिप्लेसमेंट हो गया आपकी गाड़ी का, उसके बाद आपका टायर सिक्योर हो गया, टायर कवर करते हैं वो लोग उसके अंदर, तो ये सब चीजें आपको ऐसे पर्सनल थेफ्ट हो गया, पर्सनल बिलोंगिंग का मतलब अपनी गाड़ी में कोई सामान रखा है और कांच तोड़ के कोई चोरी करके ले गया ड्यू टू एक्सीडेंट या सब, तो वो सब भी आपको अप टू 10,000 आपका नॉर्मल पॉलिसी में कवर्ड रहता है। और एक चीज है इसमें, जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल तक RTI मिलता है, दैट इज नोन एज रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस ये है कि आपने अगर रिटर्न टू इनवॉइस कवर लिया और आज हर्ष ने गाड़ी ली 12 लाख की और उसके ऊपर उसने रिटर्न टू इनवॉइस का कवर लिया, जो कि 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो लोग उसका। और अगर हर्ष की गाड़ी परसों नरसों या 2 साल बाद चोरी हो गई, तो हर्ष रिटर्न टू इनवॉइस के थ्रू अपनो इंश्योरेंस कंपनी उसको लायबल है। समझो 12 लाख की आपने होंडा सिटी ली, लेकिन 2 साल बाद वो होंडा सिटी 15 लाख की हो गई, तो वो कितने भी रुपए की होगी हर्ष को होंडा सिटी ले सकता है।
क्योंकि उसकी गाड़ी होंडा सिटी थी और उसने रिटर्न टू इनवॉइस को अवेल किया था right. तो वो प्राइस इज नॉट अ मैटर के 12 लाख की लेनी है आपको, वो सेम मॉडल आपको लेना है और वो सेम मॉडल इज इन हायर प्राइस और लोअर प्राइस, दे विल अवेल यू. ओके, तो ये कवर अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो 3 साल तक आपको मिलता है. तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हो और हाईएस्ट जो गाड़ी में आप कवर कर सकते हो वो लेते हो तो 5,000 का फर्क है, बट 5-6,000 का फर्क है. बट अगर आप ये 5-6,000 रुपए दे सकते हो तो आपको पूरी कंप्लीट पॉलिसी लेनी है ताकि जब आप कहीं गाड़ी या वर्कशॉप में गाड़ी रखें तो आपका 1 रुपया ना लगे. नॉर्मल केस में भी वो आपको जाओगे रखोगे तो आपको 50% डेप्रिसिएशन पे करना पड़ता है, बट फुल पॉलिसी होगी तो आपको कंपलसरी एक्सेस का जो 1,000-2,000 रुपया है वो देना है और आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पे कर देगी. तो इट इज गुड कि आप अगर पॉसिबिलिटी है तो आप पूरा इंश्योरेंस उतारे अपनी गाड़ी का. हेलो हेलो यस 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 नथिंग एम आई ऑडिबल यस हाँ ओके. तो ये इंश्योरेंस का आपका एस्पेक्ट था गाड़ी का, जहां पे आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं आपकी गाड़ी में और आपको इतने सारे कवर लेने हैं. अगर आप ले सकते हो तो इट इज गुड, ताकि समझो आप यार एक इंजन का भी अगर आपको खर्चा है ना 1-1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा है, बट आपने वो इंजन प्रोटेक्शन लिया है तो आपको उसको पैसा देना नहीं है. राइट हाँ, तो वो एनीवेज आपका बेनिफिट ही है. तो आप अगर जब तक फुल कवरेज मिल रहा है आपकी गाड़ी पे तो आप फुल कवरेज ही ले अपनी गाड़ी का. ओके, आई विल कीप इट शॉर्ट because we are running short of time. You can put anti-rust coating on your body, underbody होता है आपका. क्या होता है, कई बार हम लोग वॉचमैन गाड़ी पानी से धोता है, तो this is also a tip. Ask your watchman to use your clean to clean your vehicle while using a damp cloth या गीला कपड़े से use करे, ना कि उसको bucket में से पानी लेके उसको मार के उसको use करे. उससे क्या होता है, कई बार पानी रह जाता है और धीरे धीरे वो rust कॉज करता है. तो बेटर आप यू आस्क योर जो पर्सन इज क्लीनिंग टू क्लीन इट विथ वेट क्लॉथ एंड नॉट थ्रू स्प्लैशिंग द वॉटर ऑन योर व्हीकल. ऑल्सो कोटिंग इज गुड इफ यू वॉन्ट टू डू एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम माइनर स्क्रैचेस एट ऑन योर व्हीकल. एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग लाइक सिरामिक कोटिंग एंड आई गेस देर इज वन मोर कोटिंग, आई एम नॉट गेटिंग द नेम. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग्स यू कैन डू ऑन योर व्हीकल. So if you are running in an area where there are chances of getting minor scratches and a lot, so you can do the coating. Many people who also are there who also provide you a warranty of 3 years or 2 years on the coating done. So you can do that definitely if you want and you want to car to be a clean and scratch proof. So you can do that. And anti-rust underbody coating you can do. नीचे से आप करवा सकते ताकि जो ड्यूरिंग रेन्स और ड्यूरिंग वाटर लॉक्ड एरियाज आप पास करते हैं तो पानी टिक के जो रस्ट कॉज करता है वो नहीं करेगा वहां पे. राइट सो दिस वाज द थिंग अबाउट कोटिंग एंड क्लीनिंग योर कार्स, लाइक डू नॉट यूज वाटर, ऑलवेज यूज अ वेट क्लॉथ एंड यू कैन यूज अ बकेट, बट यू स्प्लैशिंग यू शुड नॉट स्प्लैश द वाटर ऑन योर व्हीकल. राइट यस. Yeah. So this was the good question, Sid. So ये भी एक काफी अच्छी चीज थी जो पता चली. Yes. Right. So yes, Abhinav, we should end this session. Okay. Thank you, Harsh, for getting me online, and thank you very much. I'm very much liking your work. You are doing for people and helping them entertain during the quarantine time, because it's very tough when somebody is at home and you have to take the time out, but you are doing a very great job. I also request everyone to please follow Harsh's YouTube channel. It is very good and he has some amazing videos of Jaisalmer. I just saw one in today afternoon. Great editing and great man. You are doing a great job by educating people. Actually, it is educating, putting vlogs wherever you go to travel so that people get to know what to do and what not to do. So it's a great job. You are educating people. Please subscribe to Harsh's channel. Also, if you get some time, please subscribe to my channel also. Its name is Vahan Gyan by JR Motor Company. Yes. I will put the link in my Instagram story after this session. Sure.
And yes. also, I believe you keep up the good work. Surely, fame will follow because good people and good work is never kept under covers. It always comes out like sunlight. So, it's always great. And I love you, brother. You know that. Yes, love you, brother. And soon we will meet after this. Sure, lockdown. Sure. Soon we will meet until and unless the lockdown opens, or else we will talk from you from balcony and me from below. When I come to the bakery. Sure. So yes, Abhinav, thank you very much for joining me. Thank you very much, sir. Thank you very much. I hope you have recorded the session. Yes, I will save it. And I will also text you how to save this session. Yeah. Sure. Okay. Thank you very much. Give my regards to your parents. Thank you, everyone. Thank you, audience, to be there. Thank you, audience. Thank you, Sid Rajput, especially for being a good audience. Thank you. Yes. Okay.